प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव आज अपने संविधान बचाओ न्याय यात्रा को लेकर सिवान पहुंचे, जहां मीडिया से बात करते हुए भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आरएसएस के गूगल बाबा के इशारे पर सरकार चल रही है और उनके किताब को लागू करना चाहती है। सरकार जनता के बीच जो वादे की उसको भुलाते जा रही है। अगर इनके कार्यों और वादों को कोई गिनवाने की काम करता है तो देश में तानाशाही रवैया अपनाया जाता है। अगर इनको रोकने का काम किया जाता है तो उल्टा डरवाने और धमकाने का काम किया जाता है। आज जिस भी सरकारी दफ्तर में चले जाए उस दफ्तर में आरएसएस के धार की व्यक्तियों को बैठा दिया जाता है, जिनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए आज संविधान बचाओ न्याय यात्रा पर हम लोग निकले हैं और अगर संविधान खत्म हो जाए तो देश में आरक्षण खत्म हो जाएगा, जिसको बचाना बहुत जरूरी है। थॉट्स जो किताब है, जो आरएसएस के बाबा जो जिनको माना जाता है गोवलकर, उनके किताब को ये लोग लागू करना चाहते हैं। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं लोकतंत्र खतरे में, जितने भी सरकारी इंस्टीट्यूशंस या और भी तरह के इंस्टीट्यूशंस, उसमें कहीं ना कहीं से हर जगह, छोटा अगर एग्जांपल देना हो तो अगर किसी भी यूनिवर्सिटी के चांसलर को भी देखा जाए तो हर जगह आरएसएस के व्यक्तियों को बैठा दिया गया। इनका विकास से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने जो वादा किया था जनता के बीच उससे कोई लेना देना नहीं है। इनके कवियों को, इनके वादों को अगर कोई गिनाने का काम करता है तो तानाशाह रवैया अपनाया जाता है। सच बोलने वाले को दबाने की कोशिश की जाती है, डराने की कोशिश की जाती है, जो कि देश के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरा है। और संविधान बचाओ न्याय यात्रा में हम लोग इसलिए आए हैं, संविधान खत्म होगा तो बाय डिफॉल्ट आपका जो आरक्षण है वो समाप्त होगा। तो जो वंचित शोषित समाज, जो पिछड़ा वर्ग हो, दलित वर्ग हो, आदिवासी लोग हो, किस प्रकार से ये सरकार द्वारा, आप लोगों ने देखा भी होगा, SC ST कानून को भी लेकर बड़े चालाकी से अपने अटॉर्नी जनरल को ना भेज करके कोर्ट में इन लोगों ने बड़ा हल्का पक्ष रखने का काम किया, जिसके वजह से SC ST एक्ट जो है समाप्त।